नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। खबर रीवा से है, जहां बरसात आने से पहले ही रास्ते को लेकर विवाद होने शुरू हो गए हैं। दबंगों के द्वारा लगातार बारी व पेड़ लगाकर गरीबों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ताजा मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरी 344 का है, जहां शासकीय रास्ते में वीरेंद्र कुमार मिश्रा और शिवेंद्र मिश्रा के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर स्थानीय आदिवासियों ने कलेक्टर से भी शिकायत की है। पीड़ितों ने बताया कि अराजी खसरा क्रमांक 95/94/2120 राजस्व अभिलेख में शासकीय रास्ता दर्ज है, किंतु नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ व राजस्व निरीक्षक के सहयोग से वीरेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र ने आदिवासियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण आदिवासियों का आना जाना पूर्ण रूप से बंद है। यदि शासकीय रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो आदिवासी आमरण अनशन कर समीपी राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पतेरी गाँव से पहुँचे आदिवासी ने क्या कहा। क्या शिकायत लेकर अर्जन सुनवाई आए रहे हैं? के बाद ये कलेक्टर के यहाँ रोड खातिर को आए रहे हैं, घिराव कर रहे हैं। क्या शिकायत लेकर आए? रास्ते का कुछ मामला है, रास्ते के मामले में आए रहे हैं कलेक्टर के पास। क्या मामला है? मामला है वो रोड रोके हैं, शिवेंद्र मिश्रा के बाद रोक लगाए हैं। कौन लोग रोड में रोक रखे हैं आपको? शिवेंद्र मिश्रा। रास्ता किसका? सरकारी है? सरकारी भी है। कितना रास्ता है? रास्ता भी यहाँ से के बाद कितना है यहाँ से हमारे घर खुलाई तक उनके घर से। कितने परिवार उस रास्ते से निकलते हैं? उसमें निकलते हैं यहाँ पाँच निकलते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी कितने लोग? कम से कम घर कितने लोग? घर के ऊँटे के बाद 100-150 बार 100 लोगों को दिक्कत आ रही निकलने का दिक्कत आती है। पहले भी आप लोग किए जी? कहाँ पर किए थे पहले? यहाँ के 2-3 बजे कलेक्टर के पास कर चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो पा? कुछ कार्रवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारे रास्ता खुला चाहिए। सरकारी हाँ जी। ये कहाँ का मामला है? ये पतेरी के लिए है। थाना गोविंदगढ़ जी। क्या नाम है आपका? राजा राम।